नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे बॉयलर डीस्केलिंग क्या होती है। दोस्तों डीस्केलिंग जब बॉयलर के अंदर स्केल का मात्रा बढ़ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए बॉयलर डीस्केलिंग किया जाता है। इसके लिए यह एक केमिकल का प्रक्रिया है, जो केमिकल का इस्तेमाल करके हम बॉयलर के अंदर जमे हुए स्केल को हम रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि बॉयलर में स्केलिंग क्यों जमती है, ये तो नहीं जमनी चाहिए। हम आरओ का पानी लेते हैं, डीएम वाटर लेते हैं, तो फिर नहीं जमनी चाहिए। दोस्तों पानी को कितना भी शुद्ध किया जाए उसके साथ टीडीएस जाएगा ही जाएगा। हम टीडीएस को जीरो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डीएम वाटर हो, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो, कुछ भी हो, हार्डनेस को नील कर सकते हैं, टीडीएस को नील नहीं कर सकते हैं। तो जानते हैं कि डीस्केलिंग कैसे किया जाता है। बॉयलर में डीस्केल का प्रक्रिया जाने उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल टीडीएस का ही एक रूप है। अब टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस में दोस्त मिनरल होता है, वो मिनरल जो हमारे लिए ज़रूरी है, मशीनों के लिए नहीं। तो दोस्तों टीडीएस में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, आयरन होता है, सिल्का होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज़ होती है। दोस्तों अभी नाम गिनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो समझ लो इतना कि पानी के अंदर जो टीडीएस या स्केल होता है उसमें मिनरल ही होता है, जो पानी के जलने के बाद वो अंदर इकट्ठा होता है। उसको अगर पानी में डिजोल्व है, वो घुला हुआ है, तो उसको ब्लू डाउन के रास्ते हम लोग धीरे 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 कंटिन्यूस निकालते रहते हैं। सपोज दैट अगर किसी कारण से वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाया तो वो हार्ड रूप में, हार्ड फॉर्म में जाके बॉयलर के परत पे चिपक जाता है, ट्यूब के परत पे चिपक जाता है। तो उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को ही डीस्केलिंग कहते हैं। अब आइए जानते हैं डीस्केलिंग कैसे होता है। दोस्तों डीस्केलिंग करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, जेट मशीन से भी होता है, केमिकल प्रोसेस से भी। केमिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें केमिकल प्रोसेसिंग के लिए हमें सल्फामाइड एसिड करके एक ड्राई फॉर्म में पाउडर आता है, उससे हम लोग इसका डीस्केलिंग करते हैं। उसको हम पानी में घोल के और बॉयलर के ब्लू डाउन के रास्ते से अंदर इन करते हैं और एयर वेंट के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह होती है, ध्यान देने वाली बात, कि जब भी ये प्रोसेसिंग करेंगे तो बॉयलर थोड़ी सी टेम्परेचर में रहनी चाहिए। अंदर का जो वाटर है, अंदर का जो पानी है, वो थोड़ा टेम्परेचर में रहना चाहिए। 60 से 70 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होना ज़रूरी है, तभी डीस्केलिंग की प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा डीस्केलिंग के ऊपर, वो कमेंट करके हमें थोड़ा सा बताइए। और वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इससे भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाने वाला हूँ। एग्ज़ाम का टाइम है, अभी क्वेश्चन आंसर भी मैं चलाने का सोच रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर चलाऊँगा। और डीएम वाटर पे ज़्यादा फोकस है मेरा, डीएम वाटर का एक डिटेल वीडियो डालता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।